का बहुत आसान और सरल सा तरीका बताने जा रही हूँ। अगर आप इस तरीके से शैम्पू करते हैं ना तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलता है। मैंने ये शैम्पू कल यूज किया था, ये कल का रिजल्ट है और आज भी मेरे बालों में आप शाइन देख सकते हैं। मतलब शाइन यू की यू बरकरार है, एक वीक तक आपको इसका रिजल्ट ज्यों का त्यों आपके बालों में दिखेगा। एक्सेस ऑयल आता है वो भी खत्म हो जाएगा, डैंड्रफ आता है वो भी खत्म हो जाएगा, बालों में शाइन चाहिए, बाल डैमेज हो चुके हैं तो वो शाइन आपको देगा आज का ये शैम्पू, होममेड शैम्पू। आपको शैम्पू को कुछ अलग तरीके से यूज करना है अपने बालों में और फिर देखिए कितने गजब के रिजल्ट आपको मिलते हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर है जिसका मेरे पास कॉमेंट आया है कि बालों की जो ग्रोथ है वो एक लेंथ तक आके रुक जाते हैं, मैं हर चीज करके देख चुकी हूँ। तो देखिए जब तक आपका खाना पीना बेहतर नहीं होगा, मैं हमेशा बोलती हूँ सप्लीमेंट अच्छे तरीके से नहीं लेंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आप सोचिए चलिए कि आप सप्लीमेंट वगैरह नहीं ले सकते, आप सिर्फ खाना ठीक खा सकते हैं घर का बना हुआ, तो आप सुबह उठते ही खाली पेट आंवला और एलोवेरा जूस पीना शुरू कर दीजिए पानी के अंदर, गुनगुने पानी के अंदर और रात को सोने से पहले। ऐसा आपको 3 महीने करना है, 3 महीने करने के बाद रिजल्ट आप लोगों के सामने होगा। तो रेमेडी की हम शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको डब्बा चाहिए जिसके अंदर आप शैम्पू घोलते होंगे, तो एक डब्बा लेने के बाद आपको इसके अंदर कॉफी पाउडर डालना है। ये कॉफी पाउडर किसी भी ब्रांड का हो सकता है, ठीक है ना। कॉफी पाउडर कैफीन होता है सबको पता है, जैसे ब्लैक टी आपके हेयर फॉल को रोकती है, सेम वैसे ही ये जो आपकी कॉफी है वो भी आपके हेयर फॉल को रोकने में और बाल जितने भी डैमेज हो चुके हैं उनके क्यूटिकल्स जो खुले हुए हैं उनके अंदर नमी को भेजेगी और उसको लॉक भी कर देगी ताकि वो जो ड्राइनेस है वो वापिस से ना आए। उसके बाद मैंने 3 या 4 बड़े चम्मच यहाँ पे रोज वाटर लिया है। रोज वाटर गर्मियों के हिसाब से काफी बेनिफिशियल है, अगर पीएच लेवल आपका डिस्टर्ब हो चुका है उसको ठीक करता है, गंदी बदबू को हटाता है, आपके बालों में अगेन मॉइस्चर लेके आता है और आपके बालों के लिए काफी हेल्दी होता है अगर आप गुलाब जल का यूज करेंगे तो। मैंने 2 चम्मच के करीब यहाँ पे एलोवेरा जेल डाला है। मैंने यहाँ पे प्लांट लगाया था वो सूख चुका है पता नहीं किस वजह से, तो इसीलिए मैं मजबूरी है मेरी कि मैं यहाँ पे पैकिंग वाला यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास एलोवेरा फ्रेंस है तो आप उसी का यूज करेंगे, पैकिंग वाला आप यूज नहीं करेंगे। 2 चम्मच मैंने भर भर के आप देख सकते हैं एलोवेरा जेल के इसके अंदर डाल दिए हैं। अब आपको क्या करना है, तीनों इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं ना आपके, अब जो भी शैम्पू आप कर रहे हैं शैम्पू आप 2 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद आप हल्का सा पानी डाल सकते हैं इसके अंदर और अच्छे से आप इसको डाइल्यूट कर लेंगे और ये तैयार है आपका मैजिकल शैम्पू। यकीन मानिए अगर आपके पास बिल्कुल रती भर भी टाइम नहीं है ना, आप कुछ सोच रहे हैं अपने बालों को लेके, तो ये शैम्पू आपकी मदद कर सकता है। इस शैम्पू को अच्छे से आपको डाइल्यूट करना है पानी के अंदर, ठीक है ना। पानी हल्का सा और डाल लें और जो मैं आप लोगों को शैम्पू करने का तरीका बता रही हूँ ना, इस तरीके से नेक को डाउन करके, हमेशा आपने देखा होगा कि पुराने जमाने भी में भी औरतें जो हैं, जो हमारी मदर्स हैं, आज भी इसी तरीके से शैम्पू करते हैं क्योंकि ब्लड का जो फ्लो होता है वो नेचुरली तरीके से आपकी खोपड़ी की तरफ भागेगा अगर आप इस तरीके से अपनी गर्दन को झुका के करते हैं तो। और शैम्पू करने का आपको डबल फायदा मिलता है। मानती हूँ कि बहुत सारी लड़कियां इसमें विश्वास नहीं करेंगी, ऐसा 5 मिनट करने से ऐसा हो ही क्या जाएगा। 5 मिनट अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपको खुद फर्क दिखेगा। अच्छे से ये शैम्पू कर लेना है, हाथ में कभी भी शैम्पू डाल के बालों में सीधा डायरेक्ट नहीं लगाना है, वो एक ही जगह पे चिपक जाता है और वहां से आपको पैचे जाने शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल वहां से निकलना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल अच्छे से शैम्पू अपने बालों में कर लेना है, लगभग 2-3 मिनट के लिए आप इसे अपने बालों में लगा रहने दीजिए, हल्का सा टाइम आपको वेट करना है और उसके बाद आपको सिंपल पानी के साथ इसको वॉश कर देना है। मैं इसका जो रिजल्ट है ना, देखिए अगर आपके बाल काफी डैमेज हो चुके हैं तो ये 2 बार में आपको रिजल्ट देगा। अगर आपको लगता है कि आपके बालों में थोड़ी सी ही प्रॉब्लम है तो ये इंस्टेंटली 1 ही बार के यूज में आपको रिजल्ट देगा। ये आपके टोटली बालों पे डिपेंड करता है कि कोई भी रेमेडी किस तरीके से आपके बालों पे रिजल्ट देती है और आप उसको किस तरीके से लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको शैम्पू करना है। वीक में आप 3 बार शैम्पू करते हैं तो इस तरीके से शैम्पू करके देखिएगा। अगर आप इस शैम्पू को लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म में मतलब कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना, अगर आप शैम्पू इसी तरीके से करते हैं ना तो आपके जो बाल हैं देखिए, एक तो वो लंबे बनना शुरू हो जाएंगे, शाइन कहीं नहीं भागेगी, जितना भी डैमेज हो चुका है बालों में वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, ग्रोथ नहीं हो रही थी वो ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी क्योंकि जो कॉफी और जो एलोवेरा और जो गुलाब जल हमने लिया है ना, बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट और बहुत अच्छे तरीके से बालों में काम करते हैं। और साथ के साथ आपको अपनी डाइट पे, सप्लीमेंट पे, खाने पे, होश के तो जंक फूड नहीं खाइएगा, घर का बना हुआ खाना ही अगर आप खाएंगे तो लाइफ में शायद आपको स्किन से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड शायद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।